हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज तस्खीर एंड यू आर वाचिंग टीएचके रिएक्शंस। मैं रिएक्शन देने वाला हूँ इस वीडियो में एसएसजी कमांडोस पाकिस्तान आर्मी ट्रेनिंग मस्ट सी। तो हमें देखना ज़रूर चाहिए जैसा कि टाइटल में लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे कि इसमें कैसे ट्रेनिंग होती है और किस तरीके से उनको सिखाया जाता है, जो भी होते हैं वो भी जो भी टास्क वगैरह उन्हें दिए जाते हैं करने के लिए, किस तरह से वो उसको परफॉर्म करते हैं, किस तरह से वो अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। तो कुछ इस तरह की वीडियो होने वाली है शायद ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी बात हम करेंगे बाद में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। कमांडोस के फलक शिगाफ नारे आपको सुनाई दे रहे हैं, ये सारे ट्रेनिंग पे जा रहे हैं और जब से मैं आया हूँ ये ऐसे ही बोझ उठा के चल रहे हैं। कभी ये ऊपर चले जाते हैं, कभी ये वापस नीचे आ जाते हैं। इनके पीछे जो बैग है अभी फिलहाल इनमें वो सामान नहीं है जो लेके ये ट्रेवल करते हैं पहाड़ों पे, लेकिन उससे ज्यादा वजन मौजूद है। यानी इनमें पत्थर डाल दिए जाते हैं, वजनी सामान डाल दिया जाता है। बाद मैंने यहाँ पे देखा है कि जो कमांडोज हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके हाथों में और उनके कंधों पे पत्थर रखे हुए होते हैं और वो पत्थर लेके नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। दुश्मन से हथियार कहते छीनना, ये उसकी प्रैक्टिस है। आपको नाज़रीन दिखाते हैं कि ये है। किस तरीके से कमांडोज जो है वो अपना असॉल्ट कोर्स करेंगे और 19 रुकावटें हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनको उबूर करना है 8 मिनट से पहले। वाह ये शानदार है, जबरदस्त। ये तकरीबन 6 फुट से भी ऊंची रुकावट थी जिसको उन्होंने मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स वो कर पाता। जिस बंदे के आम मसल्स थोड़े से भी वीक होते हैं तो एसएसजी वाले स्टैंडर्ड्स पे कंप्रोमाइज नहीं करते। हाथों पे वो बहुत मजबूत होने चाहिए और हो जाते हैं। मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा। ये बिल्कुल एक पतली सी दीवार के ऊपर चलते हुए आगे आ रहे हैं। 9 रुकावटें कमांडोज ने अबूर की हैं और अब ये 10वीं रुकावट है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। पाइप्स में से निकल के जाएंगे। बहुत अच्छे, ये तेजी से रास्ते पे चलते हुए क्रॉस कर रहे हैं इसको। ये कमांडो को किसी भी तरह के सूरतेहाल का सामना करना पड़ सकता है अपने जॉब के दौरान, अपने काम के दौरान, तो वो हर तरह से ट्रेंड होना चाहिए कि बारीक पाइप में से कैसे गुजरना है, तार पे कैसे चलना है, दीवार पे कैसे चलना है, ऊंची जगहों से कैसे उतरना है, रस्से की मदद से कैसे किसी चीज को क्रॉस करना है, लंबे जंप कैसे करने हैं, ये सारा इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। कुछ भी सिचुएशंस बन सकती है ना। अच्छा अब ये 16 नंबर जो है ये खासा मुश्किल लग रहा है। ये ऑब्स्टिकल जो है मेडिटेरियन नेट है और ऑलमोस्ट 25 फीट इसकी हाइट है और ऊपर जैसे एक नॉर्मल बंदा पहुंच जाता है तो वहां से इसको क्लियर हो जाता है कि अगर उसको कोई हाइट फोबिया का इशू होता है तो वो इस ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर ही नहीं सकता, नेगोशिएट कर ही नहीं सकता। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग थी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाली ट्रेनिंग थी। 10 टास्क जो दिखाए थे इसमें, एक के बाद एक जंप करना, दीवार के ऊपर जंप करना, फिर उसके जो पाइप्स आते हैं बड़े बड़े होल वाले तो उसके नीचे से निकलना, और 25 फीट की जैसे लास्ट में इन्होंने बताया 25 फीट की एक नेट बंधा हुआ था उस पर चढ़ना है, दूसरी साइड से उतरना है। तो उन्होंने जैसा कि बोला कि किसी को हाइट फोबिया होता है कि ऊंचाई से डर लगता है लोगों को, तो वो नहीं कर पाएंगे उसको, ऊपर जाकर उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, इतना बुरा हाल हो जाता है अगर कोई वैसा उस टाइप का बंदा है तो। नहीं तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है। अगर आप वाकई आपको छोटा मोटा अगर डर होता ही है, सभी को होता है ऊंचाई से डर, तो उसको तो निकालना पड़ेगा भाई। अगर ट्रेनिंग में पास होना है और तो उसको सहना पड़ेगा, उस
को ओवरकम करना पड़ेगा उससे निकलने के लिए। तो मेहनत बहुत ज़बरदस्त दिखाई है इसमें, आपके मसल्स में, हाथों के मसल्स में, शोल्डर्स में इतना दम होना चाहिए। वो रस्ते पे चढ़ना, उतरना, भागना, दौड़ना और हाथों का भी बहुत ज़्यादा काम होता है उसमें, अपने बॉडी का वेट लेना प्लस अपने कंधों पर इतनी ज़्यादा वज़न डालकर, जैसा कि बताया स्टार्टिंग में, पत्थर डालकर वो बैग्स में जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान। तो वज़न लेकर चलना बहुत ही मुश्किल है, आप 5-10 किलो नॉर्मल आदमी लेकर नहीं चल सकता। तो ये ट्रेनिंग का ही कमाल है, ट्रेनिंग नहीं होगी तो रैंडम जो सिचुएशंस बन सकती हैं, कुछ भी हो सकता है कहीं पर भी। अगर कोई आपको आएगा तो वो ये नहीं बताएगा कि मैं तुम्हारे मुंह पर मारने वाला हूं या फिर पेट में मारने वाला हूं, तो तैयार हो जाओ। तो कुछ भी, कैसे भी रैंडम सिचुएशंस हो सकती हैं, उसके हिसाब से ट्रेनिंग होती है हर तरह की। हथियार छीनना, हथियार चलाना, हथियार को अच्छे तरीके से, सही तरीके से, बिल्कुल एक्यूरेट चलाने की ट्रेनिंग होना, सब कुछ सीखना पड़ता है। तो बहुत सैल्यूट है उन सारे सोल्जर्स को, सारे लोगों को जो इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।